हेलो एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस 2 के बचे हुए 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। जो आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, जो 2019 का जीएस 2 का पेपर था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 दो वीडियोस में डिस्कस किया। पहले वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन से फिफ्थ क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया। आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ऑल्सो मेंशन द रेमेडीज अवेलेबल टू सच पर्सन अगेंस्ट हिज डिस्क्वालिफिकेशन। राइट, अब बात आती है पहले सवाल इस क्वेश्चन के पहले पोर्शन की, जो कहता है कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो ग्राउंड्स पूछ रहा है रोपा के, 1951 के रोपा के। दूसरा कह रहा है कि ऑल्सो मेंशन द रेमेडीज अवेलेबल टू सच पर्सन अगेंस्ट हिज डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो आपका जीएस 2 का मेंस का पोर्शन है, उसका जो सिलेबस है, उसमें से ये सवाल आया हुआ है। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू राइट, क्योंकि इसमें हम सीधा वो सवाल पूछ रहा है रिप्रेजेंटेटिव्स को रिमूव या डिस्क्वालीफाई करने के ग्राउंड्स को और उनकी रेमेडीज को। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्टरी पोर्शन में, आप रोपा के बारे थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, जस्ट 30-40 वर्ड्स रिगार्डिंग योर रूपा, क्योंकि ये सवाल आपका 15 मार्कर है, तो दैट मींस यू नीड टू राइट हाउ मेनी वर्ड्स, 250 वर्ड्स। ठीक है, तो अब आप इसमें 250 वर्ड्स में कैसे लिख सकते हो, तो आपके पास इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी जो लिमिट है वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ व्हेन वी मूव आफ्टर द इंट्रोडक्शन वी नीड टू आंसर दिस पोर्शन, दैट इज ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर रूपा। तो ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर रोपा जो आप लिख सकते हो, तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट मेंशन करता है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से आता है आपका सेक्शन 8। सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वॉज ऑल्सो अंडर डिबेट। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन व्हाई यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बिकॉज इन लास्ट 2-3 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट हैज अगेन एंड अगेन स्टेटेड दैट देयर शुड बी अ ट्रायल कोर्ट that should on urgent basis solve the issues or solve the cases regarding the parliamentarians or the representatives। ठीक है, कि पिछले 3-4 साल में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये जजमेंट दी है कि जो ऐसा ट्रायल कोर्ट एस्टेब्लिश किया जाए, जो ट्रायल कोर्ट जल्द से जल्द या ऑन एमरजेंसी बेसिस सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए बिठाया जाए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स के केसेस को सॉल्व किया जाए, सो दैट जो हमारे डेमोग्राफी है रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो प्रोफाइल है हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो प्रोफाइल इंप्रूव किया जा सके, क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन ज्यादा है। तो उसको इलेक्टोरल रिफॉर्म के प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऐसी एक वर्डिक्ट दी है, तो उसी कंडीशन में या उसी बेसिस के ऊपर उसी बैकग्राउंड में ये सवाल आया है। राइट, तो एज यू हैव अंडरस्टूड द बैकग्राउंड, तो मूविंग फॉरवर्ड इन दिस क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं ग्राउंड्स की, उन ग्राउंड्स में आप लिखोगे सेक्शन 8 को, आप मेंशन करोगे कि सेक्शन 8 ने जैसे बात करी हुई है कि जो भी आपके पनिशमेंट दी जाती है आपके लेजिस्लेटर्स को, किसी भी आदमी को अंडर द केसेस लाइक अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट और योर डाउरी एक्ट और योर सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम बोलते हैं अपना अनटचेबिलिटी एक्ट, जो पहले कहा जाता था अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट, डाउरी, सिविल्स प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, उसके अलावा जैसे देयर वाज अ केस ऑफ लालू प्रसाद यादव हु वाज कन्विक्टेड, तो इस केस में क्या है कि अगर किसी भी आदमी को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है, इफ एनीबॉडी इज पनिश्ड फॉर 2 इयर्स और मोर, देन दैट इंडिविजुअल कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर अदर 6 इयर्स। तो ये जो है ये आपका एक ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है। दूसरा ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन आपका कहां पे आ सकता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो हमने बात करी थी, इंप्रिजनमेंट। अब इंप्रिजनमेंट कैसे, कि जैसे आपका केसेस हो गए, जैसे हमने डाउरी की बात करी, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स की बात करी, तो इन केसेस में अगर किसी को सजा दे दी जाती है, ये सेक्शन 8 के अंडर ही मेंशनड है, तो उसमें भी बंदे को जो है ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम हिज पोजीशन। अनदर केस कैन बी और अनदर केस जिसमें ये आ जाता है, दैट वाज आल्सो अंडर न्यूज इन विच सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट।
This was struck down by the Supreme Court और इसको Supreme Court ने constitutionally unvalid कह दिया गया था क्योंकि इस केस में क्या था, इसमें यह था कि इसमें इनको प्रोटेक्शन थी, जो लेजिस्लेटर्स हैं जैसे कि आपके एमपीज और एमएलएस हैं उनको प्रोटेक्शन थी कि दे कैन गो टू द हायर कोर्ट अगेंस्ट देयर डिसक्वालिफिकेशन. तो 6 महीने की जो विंडो थी वो 6 महीने की विंडो का पीरियड इन्हें दिया जाता था, ठीक है ना. तो ये कुछ केसेस हैं जिसमें उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस जिसके अंदर इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, दैट इज इफ दे आर इनएलिजिबल और इफ दे आर और इफ दे कैन नॉट प्रूव that what is their election expenditure. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बार बार जो इलेक्शन कमीशन है वो सबसे पूछता है कि जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है वो कितना है, क्योंकि इलेक्शन एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी लिमिट और अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर जो है वो डिफाइन करा होता है इलेक्शन कमीशन ने कि कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना एक जो कैंडिडेट है वो अमाउंट स्पेंड कर सकता है. तो जब आफ्टर द इलेक्शंस एवरीबडी हैज टू सबमिट देयर एक्सपेंडिचर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. रिसेंटली आपने देखा होगा कि देर वॉज अ रिपोर्ट इन न्यूज पेपर्स दैट सनी देओल हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम पंजाब हैज एक्सीडेड द लिमिट. तो अब उस केस में क्या होता है वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, बट इन दिस केस द रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिसक्वालिफाइड. तो दीज आर द सर्टन डिसक्वालिफिकेशन ग्राउंड्स विच आर मेंशन्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. And now we go to the second portion of this question, that is remedies. अब ये remedies में आप क्या बता सकते हो, remedies में आप बता सकते हो जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि convicted lawmaker को जो remedy दी गई है उस lawmaker की remedy की बात कर सकते हो कि they can approach the higher court. दूसरी बात हमने, there was also a very famous case that was Lily Thomas case. ठीक है, अब Lily Thomas case 2013 में हुआ था जिसमें ये था कि सेक्शन 8(4) जो हमने अभी डिस्कस किया था, इस सेक्शन 8(4) को लेके या सेक्शन 8(4) को लेके ये केस था. उसके अलावा देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी फेमस जन चौकीदार केस था एक, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी सेक्शन 62 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को लेके. अंडर दिस जन चौकीदार केस पटना हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कहा था कि वो जजमेंट बिल्कुल ठीक है. अब इस केस में, जन चौकीदार केस में, सुप्रीम पटना हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दी थी जिसमें उन्होंने क्या कह दिया था, उसने कह दिया था कि जो कैंडिडेट आपका इलेक्शन जेल में है, इम्प्रिजेंट है, जो आदमी इम्प्रिजेंट है, दे कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस. क्योंकि एज यू ऑलवेज ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज कि अगर कोई आदमी जेल में है अंडर ट्रायल अंडर कन्विक्शन है या किसी भी तरह से तो ही कैन नॉट वोट. तो सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के इस डिसीजन को बिल्कुल सही माना या सही ठहराया, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर जो आदमी जेल में है वो वोट नहीं डाल सकता तो जो आदमी जेल में है वो इलेक्शन क्यों लड़ सकता है. क्योंकि कोर्ट ने कहा कि इफ राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, देन राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी राइट. इफ वन राइट गोज अवे देन द अदर राइट कैन नॉट स्टे. ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बात कही थी और ये पटना हाई कोर्ट ने भी कही थी जो आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जन चौकीदार केस में एक कहा गया था सेक्शन 62 को लेके. तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो आप इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर सकते थे. और लास्ट में आप कंक्लूजन की बात कर सकते थे जिसमें आप बात कर सकते थे कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको अपना रोल सही तरीके से निभाना चाहिए और जो इलेक्शंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग डेमोक्रेसी. तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है आप आंसर कर सकते थे, राइट. अब चलते हैं अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. अब क्वेश्चन नंबर 12 जो था इस पेपर में, क्वेश्चन नंबर 12 वाज बेसिकली टॉकिंग अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर ये सवाल था आपका क्वेश्चन नंबर 12. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये सवाल था. अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, दिस क्वेश्चन सेड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी एनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर. इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेदर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सपेंडिंग इट्स अमेंडिंग पावर. सबसे पहले तो इन इंट्रोडक्शन, अगेन दिस वॉज 15 मार्कर, तो सो यू हैड 250 वर्ड्स. तो सबसे पहले तो आप
इसमें ये लिख सकते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्ट्रिन है, ये फ्रेमवर्क है, वो आया कहाँ से, राइट? तो इन द इंट्रोडक्शन आप खुद ही मेंशन कर सकते हो, या इस इंट्रोडक्शन में ही आप मेंशन कर सकते हो रिगार्डिंग योर केशव द भारती केस 1973, ठीक है? ये हिंदुस्तान के जज कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में दिस इज टेंडेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और रादर मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जिसने सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन की एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड किया, या एवोल्यूशन को उसने रिस्टोर किया। तो केशव द भारती केस या कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को मेंटेन करने में केशव द भारती केस का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। तो आप इंट्रोडक्शन में हिट कर दो कि केशव द भारती केस में ये जजमेंट आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केशव द भारती केस में ही दिया गया था। तो अब इस क्वेश्चन को समझो, आफ्टर द इंट्रोडक्शन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पार्लियामेंट की जो पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड कैन नॉट बी एनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर, ठीक है? अब कह रहे इस स्टेटमेंट में आप ये एक्सप्लेन करो कि क्या पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय या चेंज करने की पावर है कि नहीं है, कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करने की पावर है कि नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करते हुए आप बोलोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर को समझा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है इट इज इनहेरेंटली प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है जुडिशियल रिव्यू की, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर रहा है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम है, कि अगर कोई भी लॉ ऐसा बनाया जाता है जो किसी भी तरह कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो वो लॉ नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर में आपके प्रीएम्बल की बात आती है, कि प्रीएम्बल जो है वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर पॉलिटी बता रहा है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर स्टेट बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर का ही तो एक तरह से पार्ट है कि इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, कि कोई भी सरकार आए कोई भी गवर्नमेंट आए देयर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव जस्टिस, टू अचीव इक्वालिटी। तो ये सारी बातें जो हैं ये आपकी प्रीएम्बल भी कह रहा है। इसके बाद आपका फंडामेंटल राइट्स भी इंश्योर किया जा रहा है, राइट? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली ये टेंड कर रही हैं, ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर इनहेरेंटली जो है वो पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? उसके बाद आते हैं इसी क्वेश्चन में जो बेसिकली यूपीएससी डिमांड कर रहा है आपसे कि क्या सरकार या पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। आप बोलोगे बिल्कुल अमेंड या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती बेसिक स्ट्रक्चर को, क्योंकि पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग पावर है दैट इज नॉट एन एब्सोल्यूट पावर। पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 नो डाउट पार्लियामेंट को पावर दे रहा है, पर पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर नहीं दी जा रही, राइट? तो इस बेसिस के ऊपर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर क्या है, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब आप ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो इसी में आप थोड़ा सा लिख देना कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करा, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को ग्रेजुअल एवोल्यूशन के लिए छोड़ दिया। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? कि अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक स्टैटिक बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन एक एवर ग्रोइंग एवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। कि जैसे एक टाइम पे हमने ये कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमने तो क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर मोर, दे होल्ड मोर प्रोमिनेंस एज कम्पेयर टू डीपीएसपीज। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज जो हैं ये डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन पे चलेंगे, ठीक है? सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आप एक दो चीजें या चार पांच चीजें ऐसे एक्सप्लेन कर देना जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि दीज आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? जस्ट टू गिव द एग्जांपल्स। तो दैट वाज रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो था ये आपका था वुमेन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। ये यूपीएससी ने पूछा हुआ था इस लाइट में क्योंकि बार बार देयर हैज बीन अ डिमांड दैट अ वुमेन रिजर्वेशन बिल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट।
वुमेन रिजर्वेशन बिल शुड बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट और वुमेन को वहां पे कुछ पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट ऑफ सीट शुड बी फिक्स्ड फॉर ए वुमेन. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज हैड अ लिमिटेड इंपैक्ट ऑन द पैट्रार्किकल कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस कमेंट. ठीक है, इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने ये कहा कि भाई जो आपकी वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, वुमेन रिजर्वेशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, वुमेन रिप्रेजेंटेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज में, उसका लिमिटेड इंपैक्ट है किस चीज के ऊपर? पैट्रियार्किकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर पॉलिटिकल प्रोसेस. ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ कि यूपीएससी आपको बोल रहा है कि भाई जो हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस है ये मेल डोमिनेटेड प्रोसेस है. और लास्ट में यूपीएससी ने कमांड दे दी कमेंट की. ठीक है, तो अब आप समझो कि इस क्वेश्चन में लिखना क्या है. सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दे दोगे जिसमें आप कह दोगे कि भाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन आई कहां से, हमारे 73rd अमेंडमेंट एक्ट से, जिसमें आपके पार्लियामेंट ने वुमेन को 33% सीट्स रिजर्व करने को कह दिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में. तो यहां पे आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो, ये मेंशन कर सकते हो. दूसरी बात आती है कि नाउ यू नीड टू मेंशन कि हाउ इट हैड अ लिमिटेड इंपैक्ट. पर लिमिटेड इंपैक्ट किस पे? पैट्रियार्किकल कैरेक्टरिस्टिक और पैट्रियार्किकल पॉलिटिकल प्रोसेस पे. तो यू नीड टू एक्सप्लेन फर्स्ट दैट व्हाट इज पैट्रियार्किकल पॉलिटिकल प्रोसेस. तो इसके लिए यू नीड टू टेल कि भाई किस तरह लिमिटेड इंपैक्ट है. तो पैट्रियार्किकल पॉलिटिकल प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला और सबसे बेसिक पॉइंट किस चीज का आता है? प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशंस का. क्योंकि आपने देखा होगा कि एवरीबॉडी मस्ट हैव रेड कि जो हमारे देश में रिजर्वेशन सिस्टम है वुमेन का लोकल बॉडीज में, दैट इज रोटेशनल. कि एक टाइम के ऊपर अगर ए सीट रिजर्वड है तो अगले इलेक्शन में बी सीट रिजर्वड है. तो होता क्या है कि अगर यहां पे आज एक मेल रिप्रेजेंटेटिव बैठा है तो और अगली बार इस सीट पे ये वुमेन रिजर्व्ड सीट होगी, तो इधर हिज वाइफ और हिज मदर आर कंटेस्टिंग दिस इलेक्शंस. तो इफेक्टिवली द फेस इज द वुमेन बट द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द मेल काउंटर पार्ट. तो ये प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पैट्रियार्किकल पॉलिटिकल प्रोसेस की. दूसरा बात आती है, इसी में दूसरे पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि वुमेन जो है दे हैव टू फेस डबल बर्डन, क्योंकि इट इज कंसिडर्ड एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर हाउस होल्ड कोर्स एज वेल एज दे हैव टू टेक केयर ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस और देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. इसी में आप दूसरी बात लिख सकते हो डबल वामी जिसे कहते हैं हम, या डबल ये आपका इसमें आ सकता है. तीसरा आप इसमें बात कर सकते हो कि हाउ इट हैज नॉट इफेक्टेड इन ओवरऑल एमर्जेंस ऑफ वुमेन लीडरशिप. कि अगर हम ग्राउंड लेवल पे या ग्रास रूट के ऊपर वुमेन लीडरशिप को कह रहे हैं कि बर्थ लिया जा रहा है, वुमेन लीडरशिप को प्रेफरेंस दी जा रही है, पर क्या वो वुमेन लीडरशिप ऊपर तक पहुंच रही है, क्या वो इंक्रीज हो रही है? तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है ये लिमिटेड इंपैक्ट्स हैं हमारे पैट्रियार्किकल पॉलिटिकल प्रोसेस के. क्योंकि अब देखो इट हैज बीन ऑलमोस्ट 27 years दैट वुमेन रिजर्वेशन हैज बीन गिवन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. बट स्टिल अगर हम पार्लियामेंट की बात करें या विधानसभाओं की बात करें, आज तक देर हैज बीन अ कंटिन्यूस फाइट कि वुमेन को रिजर्वेशन वहां भी दी जाए पार्लियामेंट और विधानसभाओं में. तो आपके पॉलिटिकल प्रोसेस में ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक इंक्रीज जो था वो कुछ भी नहीं आया. तो ये हमारा पैट्रियार्किकल पॉलिटिकल प्रोसेस है. पर आप कहोगे कि क्योंकि आपको कमेंट करने को कहा है तो यू नीड टू टेल योर व्यू पॉइंट. और आप कहोगे कि भैया देखो ऐसा नहीं है, इसमें हम पॉजिटिव इंपैक्ट भी बहुत सारे देखे गए हैं. पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है, वुमेन की से इंक्रीज हुई है, वुमेन पॉलिटिकली मोबिलाइज हुई है, वुमेन पॉलिटिकली सोशलाइज हुई है. ठीक है, आप इसमें स्टडीज कोट कर सकते हो, पंचायती राज मिनिस्ट्री की स्टडी है, नीति आयोग की स्टडी है, जो कहती है कि वुमेन का जो एक्सपोजर है वो इंक्रीज हुआ है, वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज हुई है. ठीक है, तो पॉजिटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव फ्रेमवर्क भी आप लिख सकते हो इसमें. कि आप लिख सकते हो यार देखो नो डाउट और
कंक्लूड करते हुए आप लिख सकते हो कि नो डाउट देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स कि अभी भी कुछ इश्यूज हैं, पर ओवरऑल एस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था जो हमें आगे वाले आने वाले टाइम में इसको कंटिन्यू करना चाहिए। कि अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में 50% इसका स्टेक इंक्रीज कर दिया, रिजर्वेशन इंक्रीज कर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि आपका पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में हम 50% नहीं, कम से कम 33% या 25% के अराउंड तो स्टेक या रिजर्वेशन को दे सकते हैं। तो ये आप इसमें क्वेश्चन में मेंशन कर सकते थे, राइट। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 14। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 15 मार्कर जो था, इसमें उन्होंने पूछा क्या हुआ था, अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर। ये अटॉर्नी जनरल के ऊपर सवाल था जिसमें वो कह रहे थे कि अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्कस। ठीक है, अब ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इसमें आपने बताना था कि अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में दिया है, पावर्स क्या हैं अटॉर्नी जनरल की, फंक्शंस क्या हैं अटॉर्नी जनरल के, एंड हाउ ही हेल्प्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही आसान था, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला एज सच नहीं है, ये डायरेक्ट आपके लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, राइट। तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, जो कह रहा था कि इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल एज अ नेशनल लॉ मेकर इज ऑन अ डिक्लाइन व्हिच इन टर्न हैज बीन एडवर्सली इंपैक्टेड द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड देयर आउटकम्स। ये एक्सपेक्टेड क्यों था, क्योंकि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री वेंकैया नायडू, उन्होंने बार बार बोला था कि जो प्रोडक्टिविटी है हाउसेस की, वो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। इवन इन राज्यसभा अ बिल वाज ब्रॉट दैट वाज रिगार्डिंग द एनहेंसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, मैं ये नहीं कहूँगा कि आउटराइटली एक्सपेक्टेड था, बट हाँ करंट में था, तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन योर पेपर। क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने ये पूछा कि जो पार्लियामेंटेरियंस का रोल है ये डिक्लाइन पे है, जिसने क्वालिटी ऑफ डिबेट्स को एंड उसकी आउटकम को इंपैक्ट किया है। तो ये इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस के रोल की बात आ रही है, और इसमें जो आपका कमेंट था या सॉरी कमांड थी, दैट वाज ऑफ डिस्कस। तो अब सबसे पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन में बता दोगे कि भैया पार्लियामेंट का काम क्या है, पार्लियामेंटेरियंस का काम क्या है, क्योंकि पार्लियामेंट और जो डेमोक्रेसी है दैट रन्स ऑन द आइडिया ऑफ डिस्कशन डेलिब्रेशन, और उस आइडिया ऑफ डिस्कशन डेलिब्रेशन के ऊपर जो हम पार्लियामेंटेरियंस जो है वो काम कर सकते हैं। आप बोलोगे कि हाँ सीधा, और उसके बाद आप पॉइंट पर चले जाओगे कि यार जो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस इनका रोल क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्यों कम हो रहा है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार क्रिटिसिज्म आता है वो आता है आपका एंटी डिफेक्शन का, क्योंकि एंटी डिफेक्शन ने क्या करा है, एंटी डिफेक्शन ने इंडिविजुअल विल को और इंडिविजुअल फ्रीडम को रिड्यूस कर दिया है। इंडिविजुअल विल और इंडिविजुअल फ्रीडम को रिड्यूस कैसे करा है, बाय इंश्योरिंग सॉरी और बाय स्ट्रेंथनिंग द हाउस ऑफ और द ऑफिस ऑफ व्हिप। कि अगर कोई इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन अपने वॉइस कंसर्न या रेज इशू कंसर्न रेज करता है, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द डिनाइल ऑफ व्हिप। उसके अलावा आपका प्रोडक्टिविटी कैसे आता है, कि हाउस की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, हाउस की फंक्शनिंग जो है वो बहुत कम है। तीसरी चीज जो आती है वो आती है आपके प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर्स, कि क्रिमिनल लेजिस्लेटर्स या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हो चुकी है कि द लेजिस्लेटर्स आर नॉट कैपेबल इनफ और नॉट यू नो एजुकेटेड इनफ दैट दे कैन डिस्कस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है दैट हैज रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंटेरियंस और दैट हैज रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिविजुअल एमपीस। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, डिस्कस करने को कहा है इसने, तो डिस्कस में आप ये भी कहोगे कि हाउ द मेयर्स कैन बी इम्प्रूव्ड। ठीक है ना, क्योंकि इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस के आप रोल को भी बताओगे कि कैसे रोल इफेक्ट हुआ और कैसे उसके साथ आपकी ओवरऑल पार्लियामेंट की फंक्शनिंग इफेक्ट हुई, कि प्राइवेट मेंबर बिल्स नहीं आ रहे हैं, डिस्कशन एडिक्वेट नहीं हो रही है, आर्बिट्रेरनेस इन गवर्नमेंट आ रही है, इफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट डिक्रीज हो रही है, तो ये सारी चीजें आप इसके साथ लिखोगे। उसके अलावा आप मेयर्स को लिखने के लिए कैसे लिखोगे, कि जैसे मैंने आपको सबसे पहले वही बताया था कि जो राज्यसभा में बिल आया था, उस बिल की आप बात कर सकते हो कि जिसने ये कहा था कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज शुड बी फिक्स्ड। ये 2017 का बिल है, यू कैन चेक इट ऑन नेट, कि 2017 का ये बिल है जिसमें इन्होंने ये कहा था कि नंबर ऑफ डेज शुड बी फिक्स्ड फॉर द पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। उसके बाद बात आ सकती है आपके
कैंप्स लगाने की या फिर जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं इनको थोड़ा सा एजुकेट करने की, थोड़ा सा अवेयर करने की, ताकि हाउ द पार्लियामेंट फंक्शंस। उसके अलावा है कि जो आप एंटी डिफेक्शन है इसको थोड़ा सा आप मेलो डाउन कर सकते हो और इंडिविजुअल विल और इंडिविजुअल फ्रीडम को आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो। एज देयर वाज अ रिपोर्ट जिसमें ये कहा गया था कि एंटी डिफेक्शन में जो विप का जो इशू है या विप की जो डायरेक्शन है दैट शुड ओनली बी अलाउड, और वो उन्हीं केसेस में अलाउ होनी चाहिए जहाँ पे सरकार गिरने का डर है, जैसे कि आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है, कॉन्फिडेंस मोशन है, वोट ऑफ थैंक्स है और मनी बिल है। इसके अलावा इंडिविजुअल एमपीस को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, जो आप कह सकते हो कि एंटी डिफेक्शन या फिर शेड्यूल 10 जो है दैट शुड बी मेलो डाउन। ठीक है, इसमें आप कोट कर सकते हो जो भी कमेटीज ने रिकमेंडेशन दी, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लक्ष्मीकांत में भी दी हुई है, दिनेश गोस्वामी कमेटी इन द चैप्टर ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 to 15। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चंस। नाउ वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।